शौनक आदिक ऋषियों ने देवर्षि नारद जी से कहा, नारद जी इस कथा को कभी भी श्रवण कर सकते हैं, इसमें दिन का कोई नियम नहीं है, कभी भी श्रवण कर सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इधर शौनक आदिकों को सूत जी महाराज इस कथा को श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज से पूछा कि महाराज मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में इस कली काल में यह उनसे भी कैसे बढ़ गया, क्योंकि इस कली काल में मुक्ति की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार, यानी सभी जो यत्न है, साधन है मोक्ष प्राप्ति का, सब साधनों का तिरस्कार करते। तो सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनक जी, हे ऋषिगणों, भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम से अपना लीला संवर्धन करके लीला जब भगवान समाप्त करके लीला चरित करके जब वैकुंठ लोक यानी भगवान कृष्ण गोलोक धाम जाते समय उद्धव जी को उपदेश किया। उद्धव जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, घोर कली काल आ गया है, अब तो कलियुग का आगमन हो गया है, कलियुग आ गया है, अरे घोर कली युग आ गया है। इस कलियुग में दोष ही दोष भरा हुआ है, अवगुण ही अवगुण भरा हुआ है, पापमय यह कलियुग है, और अब कलियुग का आगमन हो गया, कलियुग आ गया है, और ऐसी स्थिति में इस धराधाम को छोड़कर के आप परम धाम वैकुंठ लोक जा रहे हैं, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या ऐसी स्थिति में जब पापों का समूह आ गया, अवगुण आ गया, बुराइयां व्याप्त हो गई, अब ऐसी स्थिति में इस धराधाम को छोड़ करके आप परम धाम वैकुंठ लोक जा रहे हैं, तब तो इस कलयुग के जितने भी प्राणी हैं ये सब पाप कर्म करने लगेंगे, दुराचारी हो जाएंगे, अत्याचार करने लगेंगे, पापमय कर्म करने लगेंगे, इनका कल्याण कैसे होगा, क्योंकि रामा ही धर्म विग्रहवान, धर्म परमात्मा ही, धर्म का रूप परमात्मा ही है। तो आप जब अधर्म आ गया, आप धर्म की स्थापना करने के लिए आपका अवतार हुआ है, और जब अधर्म आ गया तो आप परम लोक जा रहे हैं, परम धाम जा रहे हैं। तो ऐसा जब उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा तो यह पृथ्वी गाय का स्वरूप धारण कर लेगी तो किसके शरण में जाएगी, अतः कृपा करके आप अपने परम धाम वैकुंठ लोक को मत जाइए, यही रह जाइए। ऐसा उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से कहा।
तो प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर के जब ऐसा उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से कहा तो भगवान ने उद्धव जी के वचन को सुनकर के भगवान ने अपनी सारी शक्ति, अपना सारा बल, अपना सारी शक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में रख दी, विराजमान कर दी श्रीमद् भागवत पुराण में, और सारे शक्ति भागवत महापुराण में विराजमान करके और भगवान अंतर ध्यान हो गए, परम धाम वैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार यह भागवत भगवान की साक्षात शब्दमय मूर्ति है, ये साधारण पोथी नहीं है, इस भगवान का ही विग्रह है, भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, और भगवान ने सारी शक्ति इस भागवत पुराण में रख दी और परम धाम को चले गए। इसलिए भागवत भगवान की साक्षात शब्दमय मूर्ति।